और अभी बज रहे हैं जी रात के 10। इन बीच में जो एक इशू आ गई, इशू क्या आई, हमारा बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा और पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। देखो अभी बज चुके हैं जी 8 और हमें जो है अपनी दादी गांव में निकलना है, बड़े पापा और बड़ी मम्मी दोनों को लाना है। इधर मम्मी रेडी है सिसवा जाने के लिए, है मम्मी गांव जाइएगा कार्ड चढ़ाने के लिए, कार्ड रोड चढ़ाएंगे। साक्षी दीदी आ गई है तो पति देव जाकर उनको लेने के लिए है ना। क्या आज ये देखिए क्रियांत को क्या कर रहा है, क्या कर रहा भैया छो रहा है वो। चलिए चलिए, नमस्ते नमस्ते बताइए। बड़े आप मेरे से हाँ ये छू सकती है पैर। बैठे हुए हैं जी टोटो में, सारा सामान देख सकते हैं यहाँ पर है, कुछ सामान से पेंडिंग रह गया था लाने के लिए, वो सारे सामान को अभी लेके चल रहे हैं घर। अभी सारे सामान को पहुँचाना है और एक राउंड जो है मुझे फिर से मार्केट जाना होगा, तो वो सारा सामान सब लाएंगे। और फिलहाल जो है मम्मी पापा सब आ चुके हैं घर में, एक अलग ही चहल पहल है, तो बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर जी सारा सामान उतार कर यहाँ रख दिया है, तो सीधा चलते हैं बाहर, टोटो वाले भैया वेट कर रहे हैं ताकि दोबारा हम लोगों को जाना है उधर, तो निकलते हैं। अभी क्रियांश लग गया है नीचे और हम और मम्मी मिलके बनाएंगे आज का खाना, क्योंकि माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है ना मम्मी। हाँ ये बात सही है, हमको जानते है की एक बार बहू कह देती है हम बनाएंगे तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बात पे अभी हम मम्मी को कहते हैं गलत, क्योंकि हमने बोला था की हम बना लेंगे फिर भी बैठ गई, तो बोली की हम सब्जी देते कम से कम, बोले ठीक है क्योंकि लेट हो रहा है, अभी माँ को तेल लगाए थे तो, और बउआ नीचे खेल रहा था, जब बच्चा खेलता है ना तो मन करता है बैठ के बस देखते रहे, तो उसी में लेट हो गया। इतना आराम मिला ना, हम आप लोग को क्या बताएं, बहू पैर में तेल लगा रही थी, हम तो आराम से लग रहा था सो जाए चुपचाप, भगवान ऐसी बहू सबको दे, भगवान हमारे ऐसी मालिश होते रहे, हम तो मजे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने बोले कि छोड़ दो, हम तो दवा ही देते ना आपको। बिल्कुल दवा रही थी तो माँ को बहुत ज्यादा दर्द हो गया है कमर में, भगवान से दुआ कीजिए कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि पोते का बर्थडे है, इतनी एक्साइटेड थी पहले से कि अभी भगवान बीमार करते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे हमको लगता है कल तक। तो हम आ गए जी मार्केट दूसरा सामान अपना लेने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ सारा सामान सब जो मेरा रखा हुआ है, और इसको लेकर के बस जाना था मुझे, लेकिन बीच में जो एक इशू आ गई, इशू क्या आई, हमारा बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा और पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। और अभी बज रहे हैं जी रात के 10, और रात के 10 बजे जो है कुछ ऐसा हाल हो गया, पूरा मार्केट बंद हो गया और हमारी बाइक जो है वहाँ पर पड़ी हुई है। दोस्त अभिषेक के साथ गए जी पूरा ढूंढने के लिए कि कहीं कोई मिल जाए, कोई आ जाए रिपेयर के लिए, तो कोई तैयारी नहीं हो रहा था इतनी रात को आने के लिए, तो फाइनली एक भाई साहब तैयार हुए तो उनको लेकर के आए हैं। 20 minutes later. तो फाइनली जी हमारी बाइक हो गई स्टार्ट, धन्यवाद भैया का जो बाइक स्टार्ट हो गया है। क्या दिक्कत आई थी भैया? कार्बन आ गया था। भगवान का शुक्र है जी बाइक हो गई ठीक, अब इसके बाद सीधा चलते हैं अभिषेक के पास, अभिषेक इनके शॉप में जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो चलते हैं और उससे मिलते हैं और कुछ जा करके खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहे, सोचते हैं कुछ ठंडा या फलूदा जो भी हो। तो बाइक तो हमारा रिपेयर हो गया जी और हम दोनों जो यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा माहौल ठंडा करने के लिए, क्योंकि इतनी ऐसी तैसी हो रही है आज, जो कुछ सोचा नहीं था वहाँ को हो रहा है, और सोचे थे कि आप चुपचाप आप घर निकल जाएंगे सब कुछ का समाधान हो गया है, लेकिन वही है मेरा लाइफ इतना सिंपल तो रहता है नहीं, कुछ ना कुछ बीच में ट्विस्ट आता रहता है। और सबसे ज्यादा क्या बात हो रहा था, किसी भी भाई साहब को कह रहे थे कि चल करके रिपेयर कर दीजिए, कोई भी तैयार नहीं हो रहे थे जाने को लेकर के, एक भाई साहब तैयार हुए बहुत मुश्किल से, यही लेना है। तो फाइनली जी यहाँ पर सारा सामान हो गया है लोड और हमारा बाइक जो है अभी भी कुछ अलग ही कंडीशन में है, तो पहले किसी तरह जल्दी से घर पहुँचना है, और उसे उसका जो है कुछ इलाज बता दिया गया है, और इलाज क्या है बताता हूँ आपको, वह भी कुछ अलग ही इलाज है। इसका इलाज यह है कि जब भी यह बंद हो जाए तो यहाँ से मुझको तेल वाली पाइप को खोल देना है, थोड़ा सा तेल नीचे गिरेगा, उसके बाद जो है फिर उसको लगा देना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, तो गाड़ी यार लेता है। तो भैया जो है सारा सामान लेकर के जा रहे हैं और सारा सामान जो है अच्छे से लोड हो गया है, सुनिए कोई तो इस पर बैठेगा नहीं, तो थोड़ा आराम आराम से चलाइएगा ठीक है, चलिए हम भी आ रहे हैं आपके साथ साथ। The next day. क्रियांश झांक रहा है इधर से बैठ के, तू आ क्रियांश देखो आंटी आई है बेटा, कुछ कह रही है आपसे, आ जाइए बाहर। हाँ आंटी आई है देखो, आपको देखो आ जा, आंटी आई है तुम्हारी, आ जा आ जा, टेडी लेके आएगा, सोच रहा है कि आंटी लेके भाग जाएगी टेडी, दीदी डेली कहती है इसको तुम्हारा पांडा लेके भाग जाएगी, इसलिए अपना टेडी लेके बैठा हुआ है। जाओ आ जाओ, रात में हमारा कितना था, टीवी चलाने का था, उठते टीवी टीवी बता रहे हैं, बड़े आए निकलो, जय देखे जय, आ जा प्रियांश का गुड़िया ले ली, ले ली ले ली ले ली आ।
देखो पकड़ो पकड़ो, तनी भाई के चढ़ा लो, तनी भाई के चढ़ा लो। गाड़ी देखो बाबू चला है, चला दो बाबू का गाड़ी। जब वो बिस्किट लेते हैं ना तो सबसे पहले इसको देते हैं कि तुम भी लो तब हम लेंगे, इसको पहले बिस्किट मिलेगा ये अपना खा लेगा। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7 और हम आए हुए हैं कटिहार के न्यू मार्केट और अभी आए हुए हैं सब्जी मंडी। तो आज से सारी गेस्ट का जो है आना शुरू हो गया, यहाँ देख सकते हैं हमारा एक दोस्त आ चुका है और यहाँ हमारी जो है बचपन का दोस्त है, अभी तक हमारी दोस्ती जो है एकदम पक्की बनी हुई है। सोचिए हम लोग हाई स्कूल क्लासमेट थे, हम लोगों का इंटरमीडिएट हो चुका है, तो हम लोग कॉलेज पास आउट है, सभी जॉब कर रहे हैं, लगभग समझिए जॉब किए हुए भी जो है लगभग 5-6 साल हो चुका है और इतनी घनी दोस्ती हम लोगों के बीच में। तो यहाँ जो है आ गया है, तो इससे हमने रिक्वेस्ट किया था कि तुमको पहले ही आना है, तो आ गए हैं, तो सभी लोग मिल करके जो है काम कर रहे हैं और इधर लेते हैं परवल। तो अभी बज चुके हैं जी 8 और हमें जो है अपनी दादी गांव में निकलना है, बड़े पापा और बड़ी मम्मी दोनों को लाना है, तो मोनू को कह दिया है, मोनू यहाँ आ जाएगा और मोनू और अभिषेक दोनों मिल करके जो है सामान सब लेकर के वहाँ पर चले जाएंगे और हमें निकलना है गाँव, मम्मी पापा भी साथ में चल रहे हैं, तो चलते हैं जल्दी। उधर मोनू आ गया है, देख लेना सामान यहीं पर है सारा, सुनो झोला भी ले लेना एक दो को। यहाँ पे है हमारे हलवाई वाले भैया आ गए और इधर मम्मी रेडी है सिसवा जाने के लिए। है मम्मी गांव जाइएगा? गांव जाएंगे अब प्रसाद चढ़ाने के लिए, कार्ड चढ़ाने के लिए, कार्ड रोड चढ़ाएंगे। दीदी बीमार है, वो भी जाती लेकिन वो नहीं जा रही है, बहुत बीमार, उठ बैठ नहीं पाती है। बस ठीक हो जाए किसी तरह। इतना सोची थी पोता का जन्मदिन ईद लगता है 2 महीने से पोता पोता सोचने के लिए हम आ गए, अब हम सोचेंगे वो नहीं सोचेंगे। और इधर है हमारी माँ प्रियांश, इधर अपने बाबा के साथ, और इधर रिंकू अपने चाय की जिम्मेदारी लेते हुए, चाय का जिम्मेदारी संभाली हुई है। अभी हलवाई वाले भैया आ गए तो अभी ज्यादा नहीं देगा, बस तुमको क्रियांश का जिम्मेदारी संभालना है। हाँ क्रियांश के दूध का बस। माँ का तबियत तो खराब हो गया है, माँ ही सब कुछ करती थी, हम कहते थे कि माँ हमको दूध देना है तो नहीं हम खुद देंगे। गणपति देव भी आ गए, क्या तुमको चाहिए? चाबी चाहिए आपके यहाँ? हम सोए हुए हैं तो उसके लिए भी रोता है, क्यों सोए हुए? माँ को पीट के दुलार करके, मतलब इसका पीटना मतलब दुलार करेंगे, हमको मारता है कि उठो तुम क्यों सोए हो, मोबाइल से मारता है। अभी भी हमको इतना पीटा है पता है आपको, इसलिए क्योंकि पैर दबा रहे थे, पैर दबा रहे थे, पैर दबा तो मार लेके, मैं सूरज के मार लेके उकल के हम दबा देते तो इसका अच्छा नहीं लग रहा है। अब बेटा ना अब ना बहुत बदमाश है, हमारा क्या ना अभी नहा के जल्दी एक चाट दो ना दो या हमरा लग पापा के पास जाने के लिए और खुश हो गया कि हम ऊपर जा रहे हैं। पहुँच दादी गुस्सा हो गई ना, दादी बोली सब कुछ करते हैं हम, तुमको जाना है पापा पास नहीं क्या? ये पापा तो नहीं कर रहे क्रियांश, हाँ पापा नहीं कर ले। A few moments later. साक्षी दीदी आ गई है तो पति देव जा रहे हैं उनको लेने के लिए, है ना? तो जल्दी से चलते हैं जी, साक्षी जी को ले आते हैं आके यहाँ पर जो है ड्रॉप करके, हमें भी निकलना है अपने दादी गांव। तो चाबी का है गाड़ी का, क्रियास को दिए थे जब हाथ में, कहीं रखा गया होगा, हाँ ये मिल गया। ठीक है आ रहे हैं स्टेशन पर, आ गए साक्षी जी, सबको लेकर के आते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है यार, ये देखिए क्रियास को क्या कर रहा है, क्या कर रहा भैया, अभी रुको तुमको पिटाई करेंगे, क्या कर रहे हो, इसके अंदर घुस के तब चलता है। वाह वाह भैया वाह। हम गए थे कि थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं क्योंकि सुबह से हम इधर से उधर भाग ही रहे हैं और हमारा बेटा इतनी देर में क्या कर रहा है मैं दिखा दूं, देख सकते कितना कुछ फैला दिया। क्रियांश क्या खाया आपने मुंह में? गंदा, चलो नीचे आप। हम पहुंच गए हैं जी स्टेशन और उनकी जो गाड़ी है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही है, तो सीधा चलते हैं उनके पास और शायद मुझे दिख रहे हैं कि नहीं, खुद कह रही थी सीढ़ी के पास ही है, तो पता चला जी वहाँ है 25 नंबर के पास और अभी हम हैं फिलहाल 14 नंबर के पास, तो चलते हैं, उनको कहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए हम जाएंगे इसी डायरेक्शन में। इनका जो ड्रॉप है लगता है बहुत ज्यादा पीछे दे दिया है, वो देख रहे हैं वहाँ पर जो सीढ़ी है शायद उस साइड है उनका, और शायद मुझे दिख भी रही है साक्षी जी, वो दोनों साक्षी और छोटी दोनों है उस साइड, शायद आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वहाँ से वो हाई कर रही है
तो ये रही जी साक्षी और छोटी जी। आप लोगों को कहाँ है, सीढ़ी के बहुत पीछे छोड़ा था क्या? अच्छा खासा दूरी पर छोड़ा है वो। चलिए चलिए, नमस्ते नमस्ते, बताइए। नहीं नहीं, बड़े आप मेरे से पैर छू, हाँ ये छू सकती है पैर। चलिए चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है उधर, चलो। तो ये दोनों जी आ गए हैं, इन लोगों को लेकर के जल्दी चलते हैं घर। बैठ जाइए बैठ जाइए सभी लोग। हाँ पीछे अगर आगे करना कर देता। क्या हाल है? कोई नहीं, बस दो तीन घंटे में दोस्ती हो जाएगा इसका। मुझे दोनों बहन का फेस एक जैसा है, है ना? मम्मी को थोड़ा सा बैक पेन हो गया है। कैरेट खाएगा क्रियांश, देख रहा है। जा क्रियान ले जा, ये तो लेके चला जाएगा। जाओ। अच्छा सीढ़ी की वीडियो इधर की, ऊपर की, इधर की, इधर की, इधर से ऊपर ऊपर चला जाता है। आगे चलो, आइए ले, उससे भी ऊपर जाता है। छोड़ दीजिए, देखिए कैसे जाएगा। लाख लाख छत पर भी जा। डैड चलो रे, बलियाम किस गांव कुछ 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 बात है ना, इतना कमर दर्द है, हिल भी नहीं पा रही है। आपका सब्जी लेने आ रहे भैया, कहाँ तक जाओगे? सब्जी लेके जा रहे हैं। सब्जी लेने जा रहा है भैया का। और फेंकेगा सारा सब्जी, हो गया एक गाजर उठाया।